अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इंसान बनाया। उसका एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, अपनी पहचान दी, जिंदगी का माना समझाया। ये सारी नेमतें जो उसने हमें अता की, इन सब पर शुक्र लाजिम है। लेकिन शुक्र कहते किसको हैं? शुक्र अरबी जबान में उस जानवर के लिए इस्तेमाल होता है जो थोड़ा चारा मिलने पर भी उसकी तरोताजगी पूरी हो और वो दूध ज्यादा दे। मसलन मवेशियों में से जैसे गाय है, कोई भी नेमत खा वो ज्यादा हो या कम हो, उस पर शिकवे की बजाय शुक्र अदा करना और अल्लाह ताला की तरफ अपनी तवज्जो करना, उसकी तरफ रुजू करना, हर हाल में खुश रहना, यही दरअसल शुक्र है। अगर गौर किया जाए तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह नेमतें अता की हैं। एक इंसान शुक्र उसी वक्त अदा कर सकता है जब वो अपनी नेमतों की तरफ नजर करने वाला हो, नेमतों को पहचानने वाला हो। अगर इंसान नेमतों पर गौर करे तो दो तरह की नेमतें हमें नजर आती हैं या उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। एक हमारी अपनी जात के अंदर और दूसरी कायनात के अंदर। वो सारी नेमतें जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे ऊपर असरअंदाज होती हैं, जिनसे हम फायदा उठाते हैं। तो पहली नेमत जो हम अपने ही जिस्म के अंदर देखते हैं, अपनी ही जात में देखते हैं, इसी के बारे में सूरत अन्नहल की आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। और अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे माओं के पेट से निकाला जबकि तुम कुछ भी न जानते थे, किसी भी चीज का इल्म न रखते थे। उसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। गोया ये नेमतें जो जिस्म की शक्ल में हमें मिली हैं, इन नेमतों को नेमत समझना और फिर इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, ये हमसे मतलूब है। अगर हम गौर करें अपने ही आज़ा पर, तो हम देखेंगे कि एक एक उज्व हमारे जिस्म में किस तरह काम करता है। मिसाल के तौर पर दिल जो हमारे अंदर धड़कता है और हमारे सारे जिस्म को खून सप्लाई करता है, अगर वो अपना काम न करे तो हमारी जिंदगी ही कायम न रहे। कभी हमने गौर किया कि ये दिल एक ऑटोमेटिक मशीन है, यानी हर मशीन को चलाना पड़ता है, जबकि ये काम खुद करता है। ऑटोमेटिक मशीन्स का रवाज तो आज के इस दौर में आया है। आज के दौर में इंसान को पता चला कि कुछ मशीनें खुदकार भी होती हैं, लेकिन जब से इंसान पैदा हुआ है, हजारों साल से हर इंसान के सीने के अंदर उसकी जिंदगी का सामान दिल की शक्ल में रखा गया है। अगर वो एक मिनट के लिए भी काम करना बंद कर दे तो हम जिंदा ना रह सकें। दिल हमारे जिस्म में सिर्फ एक दिन के अंदर 1,03,680 मरतबा धड़कता है, यानी इतने मरतबा उसकी धड़कन होती है। अगर ये धड़कने कम हो जाएं या ज्यादा हो जाएं, तो हमारी जिंदगी का राबता टूट जाए। सुनने में तो ये आता है कि अब मस्नूई दिल भी लगता है, लेकिन जिन लोगों ने मस्नूई दिल लगवाए हैं या जिन्हें दिल का कुछ हिस्सा भी मस्नूई लेना पड़ा है, उनसे आप मालूम कर सकते हैं कि उनकी जिंदगी किस कदर खौफनाक हो गई। फिर इसी तरह हम बोलते चले जाते हैं, हमारी जबान हरकत करती है, इस पर हमारी कुछ भी ताकत नहीं लगती। हमने कभी नहीं गौर किया कि ये नेमत कितनी अजीम नेमत है जिससे हम अपने दिल की खुशी, गम, गुस्से का इजहार कर सकते हैं। अगर हमारे दिल में कुछ हो और उसे जबान पर न ला सके तो थोड़ी ही देर में हमारी कैसी कैफियत हो जाती है। बाज़ुकात एक चीज आपके दिल में होती है, आपके ख्याल में होती है, लेकिन आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, तो उस वक्त दिल की कैफियत इस तरह होती है जैसे दिल फट जाएगा, किस कदर बेचैनी हो जाती है। लेकिन जो ही हम अपनी बात कर लेते हैं तो गम, गुस्सा, खुशी, मोहब्बत, बहुत से जज्बात का जब इजहार हो जाता है तो हम एक नॉर्मल इंसान हो जाते हैं। अगर आप अपने गुस्से या गम का इजहार या उसको किसी भी तरह जबान से अदा नहीं करते और सिर्फ दिल ही दिल में रखते हैं, तो बहुत सी तकलीफों का सामना आपको करना पड़ता है, बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। दुनिया में अभी तक कोई ऐसी मशीन ईजाद नहीं हुई जो जबान का काम कर सके। इंसान टेप रिकॉर्डर के जरिए अल्लाह ताला की बनाई हुई जबान की आवाज तो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर अपनी कोई जबान नहीं रखता। इसी तरह जबान सिर्फ बोलने का काम ही नहीं देती, इस पर मजे मजे के जायके भी हम चखते हैं। और आप देखिए कि सिर्फ चखते ही नहीं हैं,
بلکہ ان کو ڈیفرنشیٹ بھی کرتے ہیں، کھٹا، میٹھا، نمکین، کڑوا، ان تمام چیزوں کے ذائقے اسی زبان پر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہونٹ عطا کیے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہونٹوں کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے؟ اگر یہ ہونٹ نہ ہو تو نہ ہم کھا سکیں نہ پی سکیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ پانی ہم ہونٹوں کی مدد سے پیتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ اگر یہ ہونٹ نہ ہو اور دانتوں سے پانی پینا پڑے تو ہم اس پانی کو صحیح طور پر اندر نہ لے جا سکیں۔ پھر اسی طرح پوری طرح بول نہ سکیں۔ ہمارے زبان میں 35% الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہونٹوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر ہونٹ نہ ہو تو ہماری زبان کا 35% حصہ قابل فہم نہ ہو۔ خواہ ہمارا تھروٹ ہے، خواہ ٹنگ ہے، لیکن اس کے باوجود ہونٹ اپنا کام کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہونٹ ہمارے منہ کو مختلف اوقات میں بند رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ اگر ہونٹ نہ ہو تو ہم اپنا منہ پوری طرح بند نہیں کر سکتے۔ آپ نے سکیلٹنز دیکھے ہوں گے یا کبھی جانور کی سیری دیکھی ہوگی کہ جس کے ہونٹ سکڑ چکے ہوں یا کاٹے جا چکے ہوں، شکل کتنی وحشتناک ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں یا کبھی شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹوں کو سکیڑ کے اندر کو کر لیں اور پھر اپنی شکل کو دیکھیں، ہم کس قدر خوفناک نظر آئے۔ لیکن ہم نے زندگی میں کتنی بار شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ ہمارے منہ پہ پائے جانے والے یہ گال کس قدر خوبصورتی کا ذریعہ ہیں۔ اگر چہرے کے اوپر یہ گال پھولے ہوئے نہ ہوں بلکہ پچکے ہوئے ہوں، اندر کو گھسے ہوئے ہوں، تو ہماری شکل کیسی ہو جائے۔ پھر اسی طرح ہم جب بولتے ہیں یا چکھتے ہیں تو لعاب دہن بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کھانا کھانے میں اگر ہمارے منہ کے اندر یہ لعاب پیدا نہ ہو تو ہم بول نہ پائیں، ہم صحیح طور پر ذائقے کو یا مزے کو حاصل نہ کر سکیں، ہمارا کھانا جو ہے وہ نرم نہ ہو پوری طرح۔ وہ پھر ایسا ہی جیسے گرائنڈر کے اندر آپ کو خشک چیز پیستے ہیں، جس طرح ایک ڈرائی چیز پیستے ہیں۔ اگر ہمارے منہ میں لعاب دہن نہ ہو اور گرائنڈر کی طرح ہمارے دانت فوڈ کو پیس ڈالے اور پھر اس کو ہم گلے کے اندر سے گزارنے کی کوشش کریں، تو آپ دیکھیں کہ خشک غذا گلے کے اندر سے کس طرح گزرتی ہے، کس قدر تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی بھی کوئی ایسی چیز کھانی پڑے تو فوراً ہی ہم ساتھ پانی لیتے ہیں یا پانی کے اندر گھول کر اس کو لیتے ہیں۔ اگر ہمیں ساری غذائیں صرف پانی میں گھول گھول کے لینی پڑتی تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ کیا ہماری بھوک کبھی ختم ہوتی؟ کیونکہ جب تک ٹھوس غذا نہ لی جائے بڑے ہو کر، بھوک ختم نہیں ہوتی۔ بچوں کو بھی 4 ماہ کے بعد عام طور پر تھوڑا تھوڑا سالڈ دینا شروع کرتے ہیں، کیونکہ محض لیکوڈ پر بچے جی نہیں سکتے، ان کی صحیح نشو نما نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح سونگنے کی قوت جو اللہ نے ہم کو دی، انسانی ناک 3000 خوشبوئیں سونگنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خوشبو کی اگر حس ایک دفعہ کھو جائے تو ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا کہ آپ کو یہ سینس لوٹا سکے۔ کچھ چیزوں کی تو کسی نہ کسی طرح ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے، یا ایک جگہ کا مثلاً سکن اتار کے دوسری جگہ اس کی ڈرافٹنگ ہو جاتی ہے، لیکن اگر سونگنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو انسان کوئی طریقہ ایسا نہیں رکھتا کہ جس سے وہ اس حس کو دوبارہ چارج کر سکے۔ پھر اسی طرح سننے کی قوت، ہم ایک وقت میں تقریباً 125,000 آوازیں سن سکتے ہیں۔ آواز سننے کی یہ صلاحیت جواب دے جائے تو کوئی طاقت نہیں کہ جو ہمیں یہ صلاحیت واپس لوٹا سکے۔ اسی طرح دیکھنے کی قوت، دیکھنے کی قوت انمول قوت ہے۔ ہم بے شمار رنگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کئی ہزار کے قریب رنگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اگر صرف رنگ ہی نہ دیکھ سکیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو کر رہ جائے اور ہمارا کیا حال ہو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان آنکھوں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ دیکھنے کا کام ہم لیتے ہیں، بلکہ آنکھوں کے اوپر جو پپوٹے ہیں یہ نیند میں کام آتے ہیں۔ اگر یہ پپوٹے نہ ہوں اور آنکھیں صرف بنٹے کی طرح سامنے لگی بھی ہوں تو ہم دیکھ نہ پائیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک یونانی تاجر جس کا نام اوناسس ہے، دنیا کی سب سے بڑی جہاز ران کمپنی کا مالک تھا، زیتون کا کاروبار کرتا تھا۔ اسے دنیا کا امیر ترین شخص ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ امریکہ کی خاتون اول جیکولن کینیڈی سے اس نے شادی کی، لیکن بالآخر ہر انسان کی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک بین الاقوامی ٹیلیویژن کمپنی نے اس کے اوپر ایک فلم بنائی اور لوگوں کو دیکھنے میں تو یہ احساس ہوگا کہ یہ شخص کتنا خوش قسمت ہے، کتنا امیر ہے اور کتنا زیادہ اس کی دنیا جو ہے وہ جنت ہے۔ لیکن اس فلم میں اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ اوناسس کے پپوٹوں کے جو مسلز تھے وہ کام نہیں کرتے تھے، پپوٹوں کے اعصاب جواب دے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں نہیں جھپک سکتا تھا۔
उसके लिए डॉक्टर सुबह सवेरे जब वो उठता था तो उसकी आंखों पर सोल्यूशन टेप लगा देते, जिसकी वजह से सारा दिन उसकी आंखें खुली रहती, और रात को जब वो सोना चाहता था तो वो टेप उतार दी जाती, जिसकी वजह से वो पपूटे खुद ब खुद गिर जाते, और जब तक वो सोया रहता वो पपूटे गिरे रहते और सुबह हाथ से उठाकर दोबारा उनको खोल दिया जाता। उसकी जिंदगी में उससे पूछा गया कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो उसने दुख भरी आवाज में कहा कि काश मैं अपनी आंखों को अपनी मर्जी से खोल और बंद कर सकता। फिर उससे पूछा गया कि अगर ऐसा करने के लिए उसे कीमत अदा करनी पड़े तो वो कितनी कीमत अदा कर सकता है, तो उसने कहा मैं अपनी पूरी दौलत दे सकता हूँ अगर मुझे सिर्फ ये सलाहियत वापस मिल जाए कि मैं अपनी आंखें खुद झपक सकूं, खुद इनसे काम ले सकूं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये आंखें खोलने और बंद करने की नेमत जो है, एक दिन में कभी हमने गिना कि सिर्फ एक दिन में हम कितनी बार झपकते हैं और कितनी बार इनको खोलते और बंद करते हैं, और इंसान का हुस्न जो है वो इनके झपकने के साथ किस तरह वाबस्ता है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी जानवरों में भी होती है और इंसानों में भी होती है, लेकिन जानवरों की हड्डी इस तरह काम करती है कि उस हड्डी के होने के बावजूद वो सीधे नहीं खड़े हो सकते। निमसलन कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर, मुख्तलिफ जानवरों के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, अगर आप उनको उठाएं हाथ फेरे तो आपको नजर आएगी, महसूस कर सकेंगे आप, लेकिन अगर आप उनको उस हड्डी पे खड़ा होने के लिए कहें तो वो सीधे नहीं हो सकते। हालांकि उनकी टांगे भी होती हैं, वो अपने हाथों को आगे बांध के सीधे खड़े हो सकते, लेकिन चंद लम्हों से ज्यादा वो खड़े नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने इंसान पर कितनी बड़ी नेमत की कि हम अपनी रीढ़ की हड्डी की वजह से हम खड़े भी हो सकते हैं, चल भी सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं, यानी अपने जिस्म को मुख्तलिफ तरह ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये नेमत इंसान ही को अल्लाह ताला ने दी, बाकी परिंदों में आप देखें और जानवरों में देखें तो वहाँ ये नेमत नहीं पाई जाती। आप उन लोगों से पूछें कि जिनकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो जिंदगी किस कदर दूभर हो जाती है, बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं, दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। फिर इसी तरह हमारे अंदर सांस लेने की सलाहियत है, हमारे फेफड़े दिन में 15,000 बार सांस लेते हैं, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 15,000 दफा, और ये भी खुद कार मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है जो खुद बखुद काम करती है। अगर हमें सिर्फ इसकी कीमत अदा करनी पड़े, आपने देखा होगा कि जो लोग खुद सांस नहीं ले सकते और उनको रेस्पिरेटर्स पे रखा जाता है, एक एक दिन का बिल कितना आता है, और जब नालियां लगती हैं तो किस कदर तकलीफ दे अमल होता है, और फिर आप देखें कि इंसान पूरी तरह उन नालियों के साथ न चल सकता है, न खा सकता है, न उठ बैठ सकता है, किस कदर जिंदगी एक अजाब होकर रह जाती है, लेकिन हमने कभी इस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया। फिर इसी तरह जिक्र की नेमत, अगर इंसान का जिक्र खत्म हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो हमने बहुत सुना है और बहुत इस पे फख्र करते हैं कि इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है और जिगर का ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन कभी आपने सुना कि एक ट्रांसप्लांट पे कितने पैसे लगते हैं? नींद जैसी नेमत अगर हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए तो हमारे दिन और रात बराबर हो जाएं, हमारी जिंदगी कायम ना रह सके, लेकिन इन सारी नेमतों को अपने जिस्म के अंदर पाकर हम अल्लाह का कितना शुक्र अदा करते हैं, हम कितना गौर करते हैं कि ये सब कुछ हमें हमारे रब ने दिया। अपने हाथों पर ही गौर करें, अगर इनके अंदर मूवमेंट की सलाहियत ना हो, अगर हमारी उंगलियां लकड़ियों की तरह सीधी की सीधी रह जाएं और हम हाथों को बंद ना कर सकें, तो हम कितने काम कर सकते हैं, ना हम लिख सकें, ना हम खा सकें, ना हम कुछ पकड़ सकें। हम जिंदगी के जितने भी काम अपने हाथों से करते हैं उनमें से कोई भी काम करने के काबिल न रहे। फिर इसी तरह अगर हमारे हाथ का सारी उंगलियां, तो क्या सिर्फ एक अंगूठा ना हो, सिर्फ चार उंगलियां ये हो, एक अंगूठा काम न करे, तो आप देखें कि कितने हम माजूर हो जाएं, कितनी बेबसी हो। अगर हमारे उंगलियां भी हो, मूवमेंट भी हो, सब कुछ हो, लेकिन सिर्फ इनके ऊपर नाखून ना हो, तो हमारे 60% कारकर्दगी कम हो जाए, यानी हमारे हाथ तो हो लेकिन नाखून नहीं, उसकी वजह से हम चीजों को मजबूत पकड़ नहीं सकते, मुख्तलिफ काम कर नहीं सकते। फिर इसी तरह अगर हमारे पाँव में नक्स आ जाए तो हमारी चाल एक डक या एक बतख की सी बनकर रह जाए। आपने देखा होगा कि उसके भी पाँव होते हैं लेकिन जुड़े हुए होते हैं आगे से, सही तौर पर चल नहीं पाती। अगर आम इंसान के जिस्म में ऐसा ही कोई नक्स वाके हो जाए, उसका चलना महाल हो जाए। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे माओं के पेटों से निकाला इस हाल में कि तुम्हें कुछ भी इल्म न था, तुम तो कुछ भी ना जानते थे, कि ये सब कुछ तुम्हें मिला है
ये कितना कीमती है और ये सब कुछ किस लिए मिला है। وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ उसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए। لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ताकि तुम शुक्र अदा करो, तुम शुक्र गुजार बनो। लेकिन देखने की बात यह है कि हम कितना शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में शिकवा करते हैं, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ मेरे बंदों में बहुत थोड़े हैं जो शुक्र गुजार हैं। एक और जगह पर फरमाते हैं, قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ कितना थोड़ा तुम शुक्र अदा करते हो। बात यह है कि हम तो एक सांस लेने और सांस बाहर आने की नेमत का ही शुक्र अदा नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ इस एक नेमत पर कि हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहें और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आती है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, तो हमारी सारी जिंदगी सिर्फ एक सांस लेने के अमल पर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहते गुजर जाए, और उसमें भी हम फिर भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि रात को जब हम सोते हैं तो सोते हुए तो हम सांस लेते रहते हैं मगर उस पर तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें कायनात की नेमतों पर गौर व फिक्र करने के लिए कहा, फरमाया वा आयतुल लहुमुल अर्दुल मैता इनके लिए ये मुर्दा जमीन एक निशानी है, अहयैनाहा हमने उसको जिंदा किया, वा अखरजना मिनहा हब्बन उसमें से हमने दाने निकाले, फमिनहु याकुलून तो उसमें से वो खाते हैं, وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ और हमने इसमें बागात बनाए, मिन नखीलें व आनाबिन खजूरों और अंगूरों के, وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ और हमने उसमें चश्मे फोड़ निकाले, لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ताकि वो इसका फल खाएं, इसकी पैदावार खाएं, وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ और इसको इनके हाथों ने नहीं बनाया, अफला यशकुरून क्या ये शुक्र अदा न करेंगे। यानी इंसान अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ तो देखे, इसमें से कौन सी चीज है जो इंसान ने खुद बनाई हो। ये सब कुछ अल्लाह ताला ही ने तो बनाया, उसी ने बारिश बरसाई, उसी ने जमीन से तरह तरह के पौधे उगाए और हमारी गिजा के सामान किए। सूरत यासीन में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं, अवलम यरौ क्या इन्होंने देखा नहीं, अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत अईदीना अनआमन कि हमने इनके लिए जो हमारे हाथों ने बनाया मवेशी बनाए, इन्हीं हमारे हाथों के बने हुए या अल्लाह ताला की मखलूक में से मवेशी इंसान के लिए बनाए, फहुम लहा मालिकून तो ये उसके मालिक बन गए हैं, वदल्लल्लाहा लहुम इन मवेशियों को हमने इनके लिए मुसख्खर किया है, इनके काम लगाया, फमिनहा रकूबुहुम तो इसमें से वो सवारी करते हैं, वमिनहा याकुलून और इनमें से बास को वो खाते हैं जैसे गाय बकरी वगैरह का गोश्त हम खाते हैं, वलहुम फीहा मनाफिउ व मशारिब अफला यशकुरून और इन मवेशियों के अंदर इनके लिए बहुत से फायदे और पीने की चीजें भी हैं, यानी दूध वगैरह और फिर दूध से आगे लस्सी और बहुत कुछ दूध के ड्रिंक बनते हैं, ये सब कुछ अल्लाह ने दिया, अफला यशकुरून क्या भला ये शुक्र अदा न करेंगे। फिर इसी तरह एक और आयत में फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द अल्लाह ही वो जात है जिसने आसमान और जमीन बनाए, وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً और उसने आसमान से पानी उतारा, فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ फिर उस पानी के जरिए तुम्हारे लिए जमीन में से रिस्क पैदा किया फलों की शक्ल में, وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ तुम्हारे लिए कश्तियों को मुसख्खर किया। इसीलिए तो हम एक मुल्क में बैठे दूसरे मुल्क के फल खा रहे होते हैं और मुख्तलिफ चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ ताकि ये कश्तियाँ उसके हुक्म से समुन्दर में चले, यानी अल्लाह का हुक्म ना आए। और जैसा कि एक और आयत में आता है कि अगर हवा न चले तो कश्तियां समुद्र के सीने पे जम के रह जाएं, आगे पीछे ना हो सकें। وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ और ये नहरें उसने तुम्हारे लिए मुसख्खर की, ये दरिया उसने मुसख्खर किए, وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ और उसने तुम्हारे लिए सूरज और चांद को मुसख्खर किया, दाइबैनि मुसलसल चलते रहने वाले यानी इनकी हरकत में कहीं भी रुकावट नहीं आती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी दिन सुने कि आज सूरज नहीं निकला। सूरज तो निकलता है, अगर बादल ढांक ले तो हम अमूमन कहते सूरज नहीं निकला, हालांकि सूरज मौजूद होता है, बादल नजर नहीं आने देते। इसी तरह अगर चांद कभी ना निकले अपने मुकर्रर वक्त पर, कभी उन्होंने तो छुट्टी नहीं की, कभी वो तो अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर नहीं हुए, लेकिन उसके बरक्स हम इंसान क्या करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे बहाने बनाकर अल्लाह ताला की इबादत और इताअत से मुंह मोड़ लेते हैं। وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ और उसने तुम्हारे लिए रात और दिन मुसख्खर किए, अगर रात ना आए तो हम सुकून से सो न सकें, दिन ना हो तो आराम से काम न कर सकें, हर तरफ खौफ ही छाया रहे।
وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور اس نے وہ تمہیں سب کچھ عطا کیا جس کا تم نے اس سے سوال کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے، یعنی یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ سے پاتا ہے اور پلٹ کر اسی کو یاد نہیں کرتا، اسی کا شکر ادا نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، ان سے کہو اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو تمہارے لیے ہمیشہ کا بنا دے، یعنی تمہاری زمین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے، الى یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ اللہ کے سوا کون الہ ہے، یاتیکم بدیا جو تمہارے پاس روشنی لائے، یعنی اگر اللہ تمہاری رات کو دن میں نہ بدلے تو روشنی کون لا سکتا ہے، افلا تسمعون تم سنتے نہیں ہو، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دن کو قیامت تک قائم رکھے، یعنی دن دن ہی رہے، من الہ غیر اللہ اللہ کے سوا کون الہ ہے، یاتیکم بلیل جو تمہارے پاس رات لے آئے، تسکنون فیہ کہ تم اس میں سکون پاؤ، افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ومن رحمتہ اور اس کی رحمت میں سے ہے، جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ تم اس میں آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، ان نعمتوں کو کس قدر اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور کس قدر ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اگر انسان شکر گزار ہوتا ہے تو یہ چیز اس کو خود فائدہ دیتی ہے، اگر ان چیزوں پر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے سارے لوگ سب سے زیادہ شکر گزار انسان کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرتے، اور اگر تم اول آخر جن و انس سارے کے سارے سب سے زیادہ ناشکر بدکار انسان کی طرح ہو جاؤ تو میری بادشاہت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ شکر ادا کرنا انسان کے اپنے ہی فائدے میں ہے اور ناشکری کرنا خود انسان ہی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن شکر جس نے شکر ادا کیا، فانما یشکر لنفسہ تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے شکر گزار ہوتا ہے، اس کے شکر کا فائدہ خود اسی کو پہنچتا ہے، ومن کفر اور جس نے ناشکری کی، فإن ربی غنی کریم تو میرا رب بے نیاز ہے بڑا عزت والا ہے، یعنی انسانوں کی ناشکری سے اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ ہاں اگر انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی قدردانی فرماتے ہیں اور اسے اپنی نعمتوں سے مزید نوازتے ہیں۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر کس طرح اپنی نعمتوں کی مزید فراوانی فرما رہا تھا۔ عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی بفلات من الارض، اس دوران کے ایک شخص زمین کے ایک حصے میں جا رہا تھا، ایک کھلی جگہ پہ جا رہا تھا، فسمع صوتا فی صحابۃ تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی، اسق حدیقت فلان، کوئی کہہ رہا تھا، یعنی بادل کو کہہ رہا تھا، جاؤ فلاں کے باغ کو، فلاں کے کھیت کو سیراب کرو، فتنحا ذلك الصحاب فافرغ ماء في حره، تو وہ بادل جو تھا وہ اس طرف کو چل پڑا، یعنی خاص زمین کی طرف چل پڑا اور وہاں اس نے خوب پانی انڈیلا۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بادل کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں اور جس شخص کا وہ کھیت ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ اے شخص بتاؤ تم اپنے کھیت میں کیا کرتے ہو کہ میں نے اس بادل میں یہ آواز سنی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ بادلوں کے اوپر فرشتے مقرر ہوتے ہیں اور فل مدبرات امرا، وہ اللہ کے حکم سے ان ساری چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں کہ کہاں بادل جائیں، کہاں برسیں، کہاں نہ برسیں، کہاں کیا ہو، تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ ایسی آوازوں کو بندوں کو بھی سنوا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کھیت والے نے یہ بتایا کہ اے بندے تو نے میرا نام کیوں پوچھا ہے، کیونکہ پہلے تو اس نے اس کا نام پوچھا تو دیکھا تو یہ وہی نام ہے جو بادل میں سے سنا گیا، پھر پوچھتا کہ تم یہ کیوں پوچھتے ہو، اس نے کہا کہ میں نے اس طرح یہ آواز سنی ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس باغ کا کرتے کیا ہو، تو اس نے کہا کہ اس میں سے جو بھی پیداوار آتی ہے میں اس کے تین حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ صدقہ خیرات کے لیے
और एक हिस्सा फिर इसी बाग के अंदर इस्तेमाल के लिए, यानी फिर उसी में से बीज इसके अंदर डाल देता हूँ, इसी की खिदमत में इस्तेमाल करता हूँ। तो बात यह है कि अल्लाह ताला का शुक्र इंसान कैसे अदा करे, यानी शुक्र अदा करना अगर इंसान के लिए फायदा मंद है तो फिर शुक्र अदा करने का तरीका क्या है। शुक्र दिल, जबान और आजा से होता है। दिल का शुक्र यह है कि नेकी और भलाई का इरादा करे, अच्छे अच्छे मंसूबे बनाया करे, अच्छी अच्छी बातें सोचा करें, खैर और भलाई के ख्वाब देखा करें, और तमाम मखलूक का भला चाहे। तमाम मखलूक कौन कौन है उसमें? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, तो मखलूकात क्या है? आलमीन, जो जो भी अल्लाह ने क्रिएट किया है उन सब का भला चाहे। जबान का शुक्र यह है कि अल्लाह की तारीफ करता रहे, जिक्र करता रहे। आजा का शुक्र यह है कि अल्लाह की नेमतों को उसकी इताअत में इस्तेमाल करे और उनसे गुनाह की मदद करने से परहेज करे, यानी गुनाह के काम करने से। आजा का शुक्र क्या है कि अपने हाथों को, पांव को, सारे जिस्म के आजा को अल्लाह की इताअत में, फरमाबरदारी में इस्तेमाल करें और गुनाह के कामों में डालने से परहेज करें। मसलन आंखों का शुक्र यह है कि अगर किसी मुसलमान का कोई ऐब देखा है तो उसकी पर्दापोशी करे। कभी सोचा इस तरह आपने कि ये शुक्र गुजारी है? हम ये तो कहते हैं आंखों का शुक्र यह है कि इंसान दरख्त देखकर अल्लाह की तारीफ करे, लेकिन ये नहीं सोचते कि यही आंखें सिर्फ दरख्त नहीं देखती या फूल नहीं देखती, फूलों से ज्यादा कांटे देखती हैं, ऐसी चीजें देखती हैं जो हमें पसंद नहीं, तो फिर उनको देखकर इंसान पर्दापोशी करे किसी का ऐब। अच्छा, अब आप देखें कि मीडिया के इस दौर में क्या हो रहा है। आपने कभी सीन देखे होंगे, कभी बम ब्लास्ट होता है तो कैसे इंसानों के आजा और ऐसी ऐसी चीजें देखी और दिखाई जाती हैं कि जिनकी हुर्मत है, जिनको क्या करना चाहिए? ढांप देना चाहिए। मैयत की भी हुर्मत होती है, मैयत का कोई ऐब देखे तो क्या करना चाहिए? किसी से भी जिक्र नहीं करना चाहिए, बयान ही नहीं करना, मुंह खोलना ही नहीं चाहिए। कानों का शुक्र यह है कि लोगों के जो ऐब सुने हैं उनकी पर्दापोशी करे। बाज़ोकत आप देखते नहीं किसी का कुछ, लेकिन लोग आपको तरह तरह की खबरें सुनाते रहते हैं। अब क्या करें? सिर्फ एक कान इस्तेमाल करें और फिर उससे भी अंदर न ठहरने दे, दूसरे से निकाले और अपने काम में लग जाए, यानी मुंह तक अटकने न दे, इधर से जाके यहां ना रहे, उधर से निकले। जबान का शुक्र यह है कि अल्लाह की मशीयत पर खुश होने का इजहार करे, कि अगर कोई चीज मर्जी की हो गई तब भी, और अगर मर्जी के खिलाफ हुई तो क्या कहा? मेरे रब ने ऐसा ही चाहा था, मैं इस पर राजी, ये मेरे रब का फैसला था। लेकिन कितने लोग हैं कि जो रब के फैसलों को एक्सेप्ट करें, और जब एक्सेप्ट नहीं करते तो नतीजा क्या होता है? खुद ही कुड़ते रहते हैं ना। कुड़ने से क्या हल हो जाता है मसला? कुछ भी नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की नेमत को बयान करना शुक्र है और उसका तर्क करना कुफ्र है। बयान किया गया कि अंसार के दो आदमी आपस में मिले, एक दूसरे से मुलाकात की। एक ने अपने साथी से कहा, क्या हाल है? उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह कहा करो, यानी कोई हाल पूछे तो जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सुन्नत है। बयान किया गया कि एक आदमी ने हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को सलाम किया, आपने उसे जवाब दिया, फिर कहा, क्या हाल है? उसने कहा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो हजरत उमर ने कहा, मैं यही चाहता था कि तुम यही कहो। सलफ एक दूसरे से हाल पूछा करते थे और मकसद उनका अल्लाह का शुक्र अदा करना होता था, दूसरे का हाल ही नहीं मालूम करना। बल्कि आप किसी का हाल क्यों पूछते हैं? बस ऐसे ही तकल्लुफन, रस्मन, आदतन, कभी अपनी खुद को नुमाया करने के लिए भी, कि लोग कहें कि कितना केयरिंग है, कि उसने तो हमारा हाल पूछा था और दूसरे तो पूछते ही नहीं, या ये साबित करने के लिए कि दूसरे नहीं पूछते मैं पूछता हूँ। तो ये सारे मकासिद फासिद हैं। इनकी बजाय ये सुनने के लिए कि दूसरा कहे अल्हम्दुलिल्लाह, और खास तौर पर ऐसे लोगों को फिर हाल और पूछे जो अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अला कुल्ल हाल, आपको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर तकलीफ होती या कोई चीज उन्हें नापसंद होती तो उस मौके पर भी क्या कहते? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल। और अगर कोई नेमत मिलती तो फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाह बिनिअमतिहि ततिम्मु सालिहात, अल्लाह ही के फजल से सारी नेमतें तमाम होती, हर चीज मुकम्मल होती। शुक्र अदा करने का मौका देना किसी को, यानी किसी का हाल पूछने से गर्ज क्या हो कि दूसरे को अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक मौका फराहम किया जाए। हजरत अबू अब्दुर्रहमान हबली, उन्होंने कहा, जब कोई आदमी किसी को सलाम कहता है और उससे पूछता है क्या हाल है, और दूसरा जवाब देता है, मैं तेरे सामने अल्लाह की शुक्रगुजारी करता हूँ, तो बाएं तरफ वाला फरिश्ता दाएं तरफ वाले से कहता है, तो इसको किस तरह लिखेगा? आपस में एक दूसरे से पूछते हैं जब काम कर रहे होते हैं ना दो लोग मिलके, तो एक दूसरे से पूछते हैं, अच्छा तुम कैसे कर रहे हो, तुम कैसे कर रहे हो? वो कहता है, मैं इसको हम्द करने वालों में लिखूंगा, शाकिरीन में लिखूंगा, अल्लाह की तारीफ करने वालों में लिखूंगा।
ابو عبداللہ سے جب پوچھا جاتا تمہارا کیا حال ہے تو وہ کہتے میں تیرے سامنے اور اللہ کی ساری مخلوق کے سامنے اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اب ورائٹی ہے نا, جس کے دل میں جتنا شکر ہوگا جیسا ہوگا وہ اتنے ہی خوبصورت لفظ بول کے اتنے ہی محبت بھرے انداز میں اللہ کا شکر ادا کرے گا. پھر انسان کائنات میں غور و فکر کرے, اللہ کی نعمتوں کو دیکھے, آنکھ کھولے, چڑھتے سورج کو دیکھے, آسمان کو دیکھے, پرندوں کو دیکھے, اپنے جسم کی نعمتوں کو دیکھے, اور پھر ان نعمتوں کو اللہ کی عنایت سمجھے, اللہ کی طرف سے سمجھے. ان نعمتوں کا پیدا کرنے والا, ان کو قائم رکھنے والا اللہ ہی کی ذات کو سمجھے. گویا اللہ کی پہچان ان نعمتوں کے ذریعے, اس کی کائنات کی نشانیوں کے ذریعے, اور خود اس کی اپنی ذات کے اندر پائی جانے والی چیزوں کے ذریعے. پھر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو اسی کام میں لگائے جس کام میں لگانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. مثال کے طور پر جس باغ والے کی مثال دی گئی ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس کی زندگی ایک بیلنسڈ اور ایک معتدل زندگی تھی. وہ اپنے پیسے کو اپنے ہی کام کاروبار میں پھر لگا رہا تھا جو اس کی دنیا کی ضرورت تھی. وہ اپنے باغ سے نکلنے والی آمدنی سے, پیداوار سے خود بھی فائدہ اٹھا رہا تھا, اپنے گھر والوں, بال بچوں, رشتے داروں اور انسانوں پر خرچ کر رہا تھا, اور اسی میں سے وہ اللہ کی اس مخلوق پر بھی خرچ کر رہا تھا جو ضرورت مند ہے, محتاج ہے, جن کا حصہ اللہ نے دراصل ہمارے مال میں رکھ دیا ہے. تو یہ شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ انسان جس نے نعمت دی اس کے نام پر بھی خرچ کرے, اس کے حکم کے مطابق بھی خرچ کرے, یعنی اپنی ذات پر, اور پھر دنیا کا حصہ بھی نہ بھولے. کیونکہ جس دنیا میں انسان رہتا ہے اگر اس کے لیے خرچ نہیں کرتا تو اس دنیا سے مزید وہ پھر حاصل نہیں کر سکتا. مثلا اگر کوئی پیسہ انویسٹ نہیں کرتا تو بزنس کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص بیج ڈالتا نہیں تو فصل نکل کیسے سکتی؟ پانی نہیں لگاتا تو فصل کیسے نکل سکتی؟ اس لیے دنیا میں بھی خرچ کرنا, دنیا کی ضروریات پر خرچ کرنا, تاکہ انسان اپنی زندگی کو ایک آسان طریقے سے, بہتر طریقے سے بسر کر سکے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. پھر یہ کہ ان نعمتوں کو اس کی پسند کے مطابق خرچ کرے جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں. اب دیکھیے کہ مثلاً اس نے ہمیں آنکھیں عطا کی تو ہم اپنی آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہ کریں. اس نے ہمیں زبان دی, ہم اپنی زبان کو اللہ کی نافرمانی کے بول میں استعمال نہ کریں. اس نے ہمیں سننے کی طاقت دی, ہم اس سماعت سے اللہ کی نافرمانی کی چیزیں نہ سنیں. جو چیزیں اس کو ناراض کرنے والی ہیں وہ مت سنیں. اسی طرح اللہ نے ہمیں دل دیا, اس دل میں حسد, بغض, نفرت, بخل اور ایسے جذبات نہ رکھیں کہ جس سے اللہ کی ناراضگی آتی ہو. پھر اسی طرح اس دل میں اللہ کی محبت ہو, اللہ کی یاد ہو, اور نہ صرف یہ کہ پھر دل میں یاد ہو بلکہ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ذکر بھی ہے. یعنی پہلا درجہ فکر کا ہے, غور و فکر کا, دوسرا درجہ ذکر کا ہے, اور تیسرا درجہ ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کا ہے. جو شخص ان نعمتوں کو بہترین طریقے پر استعمال کرتا ہے اور ان کا حق دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتا اور اللہ کی مخلوق پر اور مخلوق کے فائدے پر استعمال نہیں کرتا بلکہ ان نعمتوں کو ضائع کرتا ہے, تو وہ ان کی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے. نعمتوں کی ناقدری کیا ہے, ناشکری کیا ہے؟ اس میں ایک بات تو یہ آتی ہے کہ انسان ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے. پھر اسی طرح ناشکری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان نعمتوں کو ضائع کر دے. آپ دیکھیں کہ ہم بہت سی نعمتوں کو ضائع بھی کرتے ہیں. مثلا کھانا کھائیں, جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے اس کو شکر کر کے کھائیں, اللہ کا نام لے کر کھائیں, کھانے کے بعد اللہ کا نام لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ضائع نہ کریں. بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ کھائیں گے اور کچھ ویسٹ کر دیں گے. تھوڑا سا پانی پیا باقی گرا دیا, تھوڑا سا دودھ پیا باقی نالی میں بہا دیا. اسی طرح کچھ کھانا کھایا اور کچھ بن میں جا پھینکا. ایک سروے کے مطابق ایک بڑی مقدار ہمارے ملک میں کھانے کی جو ہے وہ صرف ضائع ہوتی ہے. یعنی کھیت سے اٹھنے سے لے کر, آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ابھی تک ایسے انتظامات نہیں کہ ہم جو کچھ ہماری زمینیں اگاتی ہیں اس کو واقعی ہم سنبھال بھی سکیں. آپ اگر مثلاً کینو کے موسم میں ایسے علاقوں میں جائیں جہاں کینو اگتے ہیں تو سڑکوں کے کنارے آپ کو گلے سڑے کینو کے ڈھیر نظر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہاں سے فیکٹری تک لے جانے, مارکیٹ تک لے جانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. وہ لگتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, اس پر محنت ہوتی ہے اور پھر وہ وہیں پر گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح آم کے موسم میں جب آندھیاں آتی ہیں اور آم گر جاتا ہے
तो बहुत सा फल जाया हो जाता है, उसको सही तौर पर इस्तेमाल करने का हमें तरीका नहीं आता। सिर्फ अपनी काहली, ला इल्मी, ना तजुर्बाकारी की बिना पर हम बहुत सी गजाओं को जाया कर देते हैं। फिर इसी तरह जब मुख्तलिफ चीजें तैयार की जा रही होती, पकाने के दौरान आप देखें, मसलन हम खवातीन एक रोटी ही पकाती तो उसमें भी आपने देखा होगा कि किस कदर आटा जाया करती, खुश्क आटा कितना जाया होता है, कुछ बर्तनों के साथ लग के कितना धुल जाता है, नालियों में जम जाता है और उनको ब्लॉक करता है, कुछ जो है वो जला के खराब कर देते हैं, कुछ फिर ये है कि खाने में उसको कुछ खाते हैं और कुछ किनारे उतार के फेंक देते हैं और वो न जानवरों के काम आते हैं न किसी और के, वो वापस वेस्ट में या बिन में चले जाते हैं। ये भी नेमतों की नाकदरी है, नाशुकरी है। इसी तरह पहनने में, इसी तरह मसलन बिजली है, पानी का इस्तेमाल है, ये भी अल्लाह की नेमतों में बहुत बड़ी नेमतें हैं, लेकिन हम बसा औकात इनकी भी कदर नहीं करते। दिन में बाज औकात लाइटें जलती रहती हैं, हमें परवाह नहीं होती, हम कहते हैं लो इतनी भी क्या कंजूसी, दे देंगे बिल जो आएगा। इसी तरह कमरे में खुद मौजूद नहीं है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, ये छोटी छोटी नेमतें हैं कि जिनका बाज औकात हम ये सोचकर कि कौन सा हमारी जेब से जाता है। इसी तरह अपनी सलाहियतें, जिस्मानी ताकतें, जहनी कुव्वतें, जहनी सलाहियतें, इनको भी हम अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी में कितना इस्तेमाल करते हैं। मसलन अल्लाह ने हमें जबान दी, हम दुनिया भर की बातें करते हैं, अल्लाह का जिक्र कितना करते हैं, हमारी जबान पर अल्लाह की तस्बीह कितनी होती है। हम दुनिया भर की बातें करते हुए नहीं थकते, थोड़ी देर के लिए अगर हमें कुरान पाक पढ़ना पड़ जाए तो हम कहते हैं हमारे सर में दर्द हो गई, हमें नींद आ गई, हम थक गए। फिर इसी तरह आप देखें कि हम सारा बाजार घूम आते हैं, हम नहीं थकते, लेकिन नमाज पढ़ते हुए हम थक जाते हैं। खड़े होके नहीं पढ़ेंगे, बैठ के पढ़ेंगे, थोड़ी सी पढ़ेंगे और उसमें कुछ भी अल्लाह को याद नहीं करेंगे और काम चलता करेंगे। क्या ये अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी है? अल्लाह ताला ने सारा दिन हमें दुनिया के फायदे उठाने के लिए दिया है, खाओ पियो सो जागो जो चाहो करो, लेकिन 5 वक्त दिन में मेरे पास हाजिर होना है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो खुशी खुशी उसके पास हाजिर होते हैं, जो खुशी खुशी नमाज पढ़ते हो? हम में से बहुत से लोग मजबूरी के मारे हाय हमें सजा न मिले इसलिए फर्ज पूरा कर देते हैं। ये तो मोहब्बत की बात नहीं, ये तो शुक्रगुजारी नहीं। शुक्रगुजारी तो इस तरह होती है कि इंसान मोहसिन के इनाम को, मोहसिन की नेमत को खुशी से ले, उसकी कदरदानी करे और उस पर जबान से, दिल से और अपने अमल से उसका शुक्रिया अदा करे। और हम देखते हैं कि कुछ कौमें ऐसी थीं कि जिन्होंने अल्लाह ताला का जब शुक्र अदा नहीं किया तो फिर अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या मामला किया। इस मामले में कौम सबा जो है वो हमारे लिए एक इबरतनाक पैगाम अपने अंदर रखती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लकद कान लिस्सबा इन फी मस्कनहिम आया जन्नतान अन यमीन व शिमाल। सबा के लिए उनके अपने मस्कन ही में एक निशानी मौजूद थी, दो बाग दाएं और बाएं। खाओ अपने रब का दिया हुआ रिस्क और शुक्र बजा लाओ उसका, मुल्क है उम्दा पाकीजा और परवरदिगार है बख्शिश फरमाने वाला। मगर वो मुंह मोड़ गए, आखिरकार हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब भेज दिया और उनके पिछले दो बागों की जगह दो और बाग उन्हें दिए जिनमें कड़वे को सहले फल और झाओ के दरख्त थे और कुछ थोड़ी सी बेरियां थी। ये था उनके कुफर का बदला, नाशुकरी का बदला जो हमने उनको दिया। यानी वाज़े मिसाल है कुरान पाक में कि एक कौम बहुत तरक्की याफ्ता थी, दुनिया की हर नेमत उनके पास थी, लेकिन नाशुकरी करने की वजह से अल्लाह ताला ने वो नेमतें छीन ली और उनका हंसता बसता मुल्क उजड़ कर रह गया। और नाशुक्र इंसान के सिवा ऐसा बदला हम किसी और को नहीं देते। वहल नुजाजी इल्लल कफूर, यानी ये जजा नाशुक्र के अलावा किसी और को भी दी जा सकती है। और हमने उनके और उन बस्तियों के दरमियान जिनको हमने बरकत अता की थी नुमाया बस्तियां बसा दी थी, यानी उनके तिजारती सफर जो थे वो बहुत खुशहाल थे, रास्ते में जगह जगह छोटी छोटी बस्तियां थी और उनमें सफर की मुसाफतें एक अंदाजे पर रख दी थी कि लंबे लंबे सफर करते हुए वो थकते नहीं थे। चलो फिरो इन रास्तों में रात दिन पूरे अमन के साथ। यानी आमतौर पर पुराने जमाने में सफर रात को बहुत ही पुरखतर होता था, लेकिन उनके यहाँ अल्लाह ताला ने ऐसे इंतजाम कर रखे थे, ऐसी नेमतें उनको अदा कर रखी थी कि जिसकी वजह से उनके रात के सफर भी बहुत पुरअमन हो गए और दिन को भी सायादार दरख्तों की वजह से धूप की मशक्कत उन्हें बर्दाश्त न करनी पड़ती, क्योंकि उस दौर में एयर कंडीशन गाड़ियां तो नहीं होती थी, प्लेन्स तो नहीं होते थे। खा इंसान ने इमारतें कैसी भी बड़ी बड़ी बनाई लेकिन सवारियों के इंतजाम जानवरों के जरिए ही थे। मगर उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब हमारे सफर की मुसाफतें लंबी कर दे, यानी अपने अमल की जबान हाल से कहा। उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, आखिरकार हमने उन्हें अफसाना बनाकर रख दिया और उन्हें बिल्कुल तितर बितर कर डाला, पूरी दुनिया में बिखर गए। यकीनन इसमें निशानियां हैं,
हर उस शख्स के लिए जो बड़ा साबिर और शाकिर हो। कहां ये कि ये वो कौम कि जिसके पास दुनियावी एतबार से बेहतरीन खुशहाली थी, अपना मुल्क था, अमनो अमान था, कहां ये कि उनके अमाल की वजह से उन पर ऐसा अजाब आया कि सारी नेमतें छिन कर रह गईं। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि एक बंदा मोमिन जब अपनी जिंदगी में शुक्र अदा करता है तो उसका इजहार वो सुबह सवेरे से शुरू करता है। मसलन आप देखते हैं कि सुबह सवेरे जब बंदा मोमिन उठता है तो सबसे पहला कलिमा उसकी जबान पर क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, शुक्र अल्लाह का जिसने हमको जिंदा किया, जिंदगी अता की। यानी जो शख्स सोकर उठने की दुआ पढ़ता है वो दरअसल अपनी नींद पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है और नई जिंदगी मिलने पर एक तरह से, क्योंकि नींद भी मौत की बहन होती है। फिर उसके बाद आप देखें कि जब आप वॉशरूम में जाते हैं और आपकी अजियत तकलीफ दूर होती है तो बाहर निकल कर फिर दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मेरी अजियत और ये गंदगी मुझसे दूर की। क्योंकि अगर इंसान के वेस्ट मादे इंसान के जिस्म के अंदर ही रहें, सिर्फ एक दिन अगर यूरिन पास न कर सके तो आप देखें कि इंसान का हाल क्या होता है, किस कदर उसको तकलीफ हो सकती है। तो उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि ये अजियतें और नजास्तें मुझसे दूर हो गई। फिर इसी तरह जब वो खाना खाता है तो लुकमा उठाता है और उसका पेट भरता है, सैराब होता है पानी पीकर, तो क्या कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजअलना मुस्लिमीन, कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। फिर इसी तरह अगर उसको छींक आती है तो उस पर भी वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। जब वो कोई अच्छी खबर सुनता है तो उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि वो औलाद जैसी नेमत के मिलने पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। मसलन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने औलाद दी तो उन्होंने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबरी इस्माइल व इसहाक, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसी औलाद दी। फिर इसी तरह जिंदगी की कोई भी नेमत जो उसको मिलती है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह कहना उसके दर्जात को बुलंद करता है। मसलन आप देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का हाल भी अजीब है और ये हाल मोमिन के सिवा किसी और को नसीब नहीं, कि जब अल्लाह ताला उसको नेमत देता है तो वो शुक्र अदा करता है और ये शुक्र इसके नेकियों में इजाफा करता है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहना, एक हदीस में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमला उल मीजान, कि एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहने से मीजान भर जाता है, अल्लाह ताला अपने बंदे से खुश होता है। और अगर तकलीफ पहुंचती है तो इंसान सब्र करता है और ये सब्र भी इंसान की नेकियों में इजाफे का सबब बनता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे जब उन्हें दुनिया की कोई भी नेमत मिलती है, मसलन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ने दुनिया में नबुव्वत भी अता की और बादशाहत भी अता की, उन्होंने अल्लाह का किस तरह शुक्र अदा किया। दोनों कहने लगे, वकाला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। यानी ईमान की नेमत भी बड़ी नेमत है, लेकिन फिर ईमान की नेमत के साथ साथ दुनिया की नेमतें भी मिले ये और बड़ी नेमत हो जाती है। फिर इसी तरह अहले जन्नत जब जन्नत में पहुंचेंगे तो उस वक्त भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे गम दूर कर दिया। क्योंकि इस बात का गम रहता है मोमिन को हमेशा कि पता नहीं मेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन जब उसे कामयाबी नसीब होगी और उसका गम दूर होगा तो वो इंतहाई शुक्र गुजार होगा। फिर इस बात पर शुक्र करेगा कि अल्लाह का शुक्र जिसने ये रास्ता दिखाया और मैं यहाँ आ पहुँचा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, अल्लाह का शुक्र जिसने ये रास्ता हमको दिखाया, हम इस रास्ते को पाने वाले न थे अगर अल्लाह हमको ये रास्ता न दिखाता। तो हकीकत यह है कि बंदा मोमिन की जिंदगी का हर लम्हा शुक्र में गुजरता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कुरान पाक की सबसे पहली आयत क्या है बिस्मिल्लाह के बाद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ सब शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। यानी सारी नेमतें उसी की दी हुई, सारा शुक्र भी उसी के लिए होना चाहिए। और अल्हम्द कहना जो है इसके बारे में आता है कि अल्हम्द रअसुश शुक्र, अल्हम्द कहना ही शुक्र की असल है। यानी शुक्र कैसे अदा किया जाए जबान से, अल्हम्द कहकर। और एक और जगह पर आता है, मा शकर अल्लाह अब्दुन ला यहमदुहु, वो बंदा अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता जो उसकी हमदो सना नहीं करता। यानी जिस बंदे के मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकलता वो बंदा शुक्र गुजार ही नहीं है। तो अल्हम्द दरअसल अल्लाह ताला की तारीफ भी है, उसकी नेमत का एतराफ भी है और उसका जबान से इजहार भी है।
फिर हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि इन अल्लाह लयर्दा अनिल अब्द, अल्लाह उस बंदे से राजी हो जाता है, अय्याकुल अल अकला, कि वो कोई चीज खाता है, वयहमदुहू, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अलैहा, उस नेमत पर, औ यशरब शुरबा, या पानी का घोंट भी पीता है, वयहमदुहू अलैहा, तो उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ऐसा ही बंदा अल्लाह की रजा पाता है, अल्लाह ताला की खास रहमत में होता है। और अगर बंदा इन सारी नेमतों को पाकर नाशुक्री के साथ दुनिया से जाता है तो वो अल्लाह ताला का तो कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन अपना बहुत बड़ा नुकसान करके चला जाता है। अब देखिए कि हम अल्लाह की इतनी नेमतें पाकर अल्लाह ताला को क्या दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमसे ये नहीं कहा पैसे दो मुझे, ये जो मैंने आंखें दी हैं पैसे निकालो इसके, उसे पैसे नहीं चाहिए, तो बादशाह है कायनात का, उसे पैसे क्या करने। उसने ये भी नहीं कहा कि आओ मेरी खिदमत करो, आके मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ और मेरे आगे खड़े रहो, या कुछ बना के दो तुम, आसमान कोई बना के दे, कोई जमीन बना के, उसे नहीं चाहिए, वो तो सब कुछ खुद बना लेता है। उसे हमारी ना कोई खिदमत चाहिए, ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ हमें आजमा रहा है, देख रहा है कि ये सब कुछ पाकर हमारा दिल किधर को झुका हुआ है, हम उसकी याद कितनी अपने अंदर रखते हैं, हमारी जबान क्या बोलती है। यही दरअसल हमारा इम्तिहान है, यही हमसे मतलूब है। और अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जाए तो ये शुक्र अदा करना हमारे अपने दिलों को ठंडक बख्शता है, अपने दिलों को सुकून और खुशी अता करता है, और अल्लाह ताला की रजा का सबब बनता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी रजा से नवाजे और हमें अपने शुक्र गुजार बंदों में शामिल कर ले, ताकि नेमतें और बढ़ें, क्योंकि उसका वादा है, लइन शकरतुम लअजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जैसे एक हदीस में आता है कि दो लोग आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लेने के लिए। एक शख्स आया तो आपके पास उस वक्त बस एक खजूर थी, आपने जब उसको खजूर दी तो बहुत बिगड़ा कि लो खजूर देते हो मुझे, नाराज होकर चला गया, आप खामोश हो गए। इतने में एक और शख्स आया, आपने वही खजूर उसको दी, वो बहुत खुश हुआ, उसने शुक्र गुजारी की कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये दिया। तो आपने उस वक्त कहा कि जाओ इसको उम्मे सलेमा के पास ले जाओ, उनके पास 40 दिरहम है और वो दिलवा दो इसको। उसी वक्त आपने वो पैसे जो थे हजरत उम्मे सलेमा से उसको दिलवा दिए। यानी एक खजूर लेने पर जो उसके चेहरे की मुस्कुराहट थी, जो उसके जबान का शुक्रिया था, उसने उसको उसी वक्त और नेमत दिलवा दी। और अगर वो सिर्फ बिगड़ के चला जाता तो कुछ ना पाता, और अगर खामोशी से चला जाता, मुंह से कुछ नहीं बोलता, अच्छा ठीक है दे दी चलो चलते हैं, क्योंकि आमतौर पर मांगने वाले क्या करते हैं, मांगने वालों को क्या कही हम क्या करते हैं। और फिर ये है कि अल्लाह ताला को ये बात भी पसंद है कि अल्लाह के शुक्र के अलावा बंदों का शुक्रिया भी अदा किया जाए, बंदों की तरफ से कोई एहसान हो, कोई खैर मिले, कोई भलाई हमें नसीब हो, किसी भी तरह की किसी से कोई हमें खैर नसीब हो, उस पर उसका शुक्र अदा करना भी लाजिम है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते अनिश्कुरली वले वालिदै, मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, क्योंकि उनका एहसान सबसे बढ़कर होता है। इसी तरह बंदों में से भी जिस जिसका एहसान हो उसका शुक्र गुजार होना लाजिम होता है, चाहे वो कोई कैसा भी शख्स हो, अपने से बड़ा हो या छोटा हो, माँ बाप के दर्जे में हो या औलाद के दर्जे में हो, या बहन भाइयों के, कोई भी इंसान। क्योंकि एक हदीस में आता है मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो बंदों का शुक्र गुजार नहीं होता वो अल्लाह का शुक्र गुजार भी नहीं होता। तो शुक्र अदा करना नेमतों को और बढ़ाता चला जाता है और दर्जे बुलंद होते चले जाते। हर दफा जो अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं एक दर्जा और ऊपर हो जाता है अल्लाह के करीब हो जाते, हर दफा एक दर्जा और, उठते बैठते चलते फिरते छोटी छोटी नेमत पर भी शुक्र अदा करते चले जाएं, अल्लाह को याद करते चले जाएं, फिर आप देखें कि आपकी जिंदगी में सुकून और खुशी आती है या नहीं आती। तजुर्बा करके देखें, शुक्रगुजारी पर जो खुशियां नसीब होती हैं, इत्मीनान नसीब होता है, बेफिक्री नसीब होती है, वो नाशुक्री पर कभी भी नसीब नहीं होती। अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल करे। वाखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दुआ कर लेते सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अजीम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक नस्तगीस। या अल्लाह पाक, तू हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले, हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर ले, हमें अपनी मोहब्बत अता कर, हमें अपनी नेमतों की कदर करना सिखा। या अल्लाह, हमारी जबानों पर शिकवे की बजाय शुक्र के अल्फाज हों, हमारे दिलों में शिकवों की बजाय हसद बुखल की बजाय तेरा शुक्र हो, हमारी जबान पर तेरा जिक्र हो। तो हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले। या रब्बुल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमें अपना कुर्ब नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारी सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे, हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना, उन्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, जितने भी लोग यहाँ आए हैं इनका आना कबूल फरमा। या अल्लाह, इस घर पर अपनी खैर और बरकत नाजिल फरमा, इन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। या अल्लाह, हमारे वालिदैन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह, हमारे दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों, तमाम लोगों को दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमा। या अल्लाह, तो हमारे कोताहियों से दरगुजर फरमा। या अल्लाह, तो हमें सेहत कामिला अता फरमा। या अल्लाह, जितनी भी बहनें यहाँ मौजूद हैं, इनके दिलों में जो दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, या अल्लाह, तो उनको पूरा फरमा। या अल्लाह, तो हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन इलाही आमीन। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।